हार्ट फेलियर के हवाले से जब बात की जाती है तो उसमें मेडिसिन का इस्तेमाल, परहेज का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी है। एहतियाती तदाबीर में पानी के मकदार का इस्तेमाल, नमकियात का इस्तेमाल, इस पे चेक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत से है जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन है। मैं रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट में एज अ प्रोफेसर कार्डियोलॉजिस्ट काम करता हूँ। हार्ट फेलियर के हवाले से मुझे कुछ बात करने का मौका दिया गया है, जिसके लिए मैं फार्मा कंपनी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हार्ट फेलियर के हवाले से जब बात की जाती है तो उसमें मेडिसिन का इस्तेमाल, परहेज का इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी है। एहतियाती तदाबीर में पानी के मकदार का इस्तेमाल, नमकियात का इस्तेमाल, इस पे चेक रखना बहुत जरूरी है। मेडिसिन के हवाले से अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि इंटरनेशनली बैन अल-क़ौमी जो मेडिसिन अवेलेबल है दुनिया में, आया वो पाकिस्तान में है कि नहीं। तो उस सिलसिले में मैं अपनी आवाम को यही बताना चाहूंगा कि वही स्टैंडर्ड की, वही क्वालिटी की, वही क्वांटिटी की, मकदार की मेडिसिन पाकिस्तान में भी मौजूद है। उसी किस्म की क्वालिटीज रखती हैं जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अवेलेबल मेडिसिन हैं। इसके अलावा मेरा मशवरा अवामुन्नास को, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को यही है कि पाकिस्तान में चूंकि मौसम में बहुत शिद्दत है, गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में शदीद सर्दी, तो उस हिसाब से अपनी पानी के मकदार में एहतियात की जाए। एग्जैक्ट कितने मकदार पी जाए, पानी और जूसेस का इस्तेमाल किस तरह किया जाए, वो आपको आपके अपने डॉक्टर्स ही बता सकेंगे। हार्ट फेलियर के हवाले से जो और चीजें की जाती हैं उसमें प्रोसीजर्स का इस्तेमाल है, जिसमें सर्जरी और पेसमेकर्स का इस्तेमाल है। पेसमेकर्स के हवाले से पाकिस्तान में जो सहूलियात मौजूद है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है। उसी कैपेबिलिटी के डॉक्टर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के दुनिया में देखते हैं। इसके अलावा हार्ट फेलियर के हवाले से मेरा मशवरा तमाम पेशेंट्स को यही है कि बर वक्त इलाज किया जाए और दवाइयों के इस्तेमाल में एहतियात किया जाए और ना बिल्कुल ना किया जाए।